ये संपूर्ण मानव जाति जब से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आई तब से ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकृति की पूजा करती आई है। फिर वो चाहे जानवरों के रूप में हो, पानी के रूप में हो, हवा के रूप में हो, बारिश हो या फिर सूरज के रूप में ही क्यों ना हो, यानी प्रकृति में इन्हें प्रारंभ से ही दिव्य प्रतीकों के रूप में देखा जाता था। लेकिन इन सभी चीजों के विपरीत जहाँ मनुष्यों की सभ्यताएं अलग अलग महाद्वीपों में बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी मनुष्य प्रजाति ने कभी भी प्रकृति की उदारता को नहीं भूले। यानी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों की सभी सभ्यताओं में पौधों और जंगलों के बीच एक गहरा विशेष संबंध रहा है। यानी कई यूरोपीय लोक कथाएं और परिकथाएं जंगलों पर आधारित हैं, जो जादुई पेड़ों और पौधों से परिपूर्ण है। यानी ऐसा कहा जाता था कि जब भूमध्य सागर में मनुष्यों की सभ्यता विकसित हो रही थी, तब जैतून का पेड़ यूनानी सभ्यता में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता था। और ऐसा कहा जाता था जब वो किसी से मिलते थे तो वो जैतून की शाखा एक दूसरे को अर्पित करते थे, और ये जैतून की शाखा जब किसी भी व्यक्ति को देते थे तो इसका मतलब ये होता था कि एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से प्राचीन रोमन में भी पवित्र उपवन हुआ करते थे। वहाँ पर जादू की विद्या सीखने वाले लोगों का समूह रहा करता था, जिसके परिणाम ये देखने को मिलते हैं कि ग्रीक और रोमन देवता और वहाँ के जो सम्राट होते थे उनको वहाँ के लोग फूलों के द्वारा सुसज्जित मुकुट पहनाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने के घनघोर जंगल फ्लोरा को फूलों और वनस्पति की इस रोमन देवी के रूप में भी पूजा जाता था। यानी रोमन्स के द्वारा भी जंगलों को देवी के रूप में पूजा जाता था। ठीक इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में जो जनजातियाँ थी जिनको गॉल और सैंटेल कहा जाता था, ये कुछ ऐसी प्रजातियाँ थी जो जंगलों में रहा करती थी, और इनमें से जो सेल्टिकल्स जनजातियाँ थी वो जंगलों को पवित्र स्थान माना करते थे। और ऐसा कहते थे कि जंगलों में रहने वाली देवी जिनको नेमोटोना कहा जाता है उनकी ये पूजा आराधना करा करते थे। और स्थानीय शोध के अनुसार ऐसा कहा भी जाता है कि यूरोप में एस्टोनिया में रहने वाले मूल धर्म के अनुयायी अब भी हजारों जंगलों को पवित्र उपवनों के रूप में पूजते हैं। और दक्षिण चीन में यूनान के पास सानी लोग पवित्र जंगलों के स्थानीय देवता जिनको मीजी कहा जाता है उनकी पूजा आराधना करते हैं। और अगर बात करें भारत की तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 से अधिक आज के समय में पवित्र उपवन मौजूद हैं, और इन वनों को उनके गुणों के हिसाब से नाम दिया गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक वन वो होता है जिसको तपोवन कहते हैं, और इस वन में ऐसा कहा जाता है कि इसमें अधिकतर रहने वाले जो होते हैं वो ऋषि और कुछ अघोर तपस्वी होते हैं जो इस वन में तपस्या करते हैं, जिसके कारण इस वन को तपोवन कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें दूसरे वन की तो उसे महावन कहते हैं, और तीसरे प्रकार के जंगल यानी वन को श्री वन के नाम से पुकारा जाता है। और ये सभी वन अपने आप में सबसे पवित्र और मोक्ष के लिए सुलभ माने गए हैं, जिसके कारण से ऐसे स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि वन देवी यहाँ पर विराजमान रहती है और वो सदैव जंगल में आए ऋषि मुनियों की रक्षा करती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी भारतीय मंदिर हैं उनका वनों से काफी गहरा कनेक्शन होता है। यानी कई मंदिरों के अपने पेड़ होते हैं जिन्हें स्थल वृक्ष कहा जाता है, और मंदिरों में अधिकांश देवता विशेष पौधे, पेड़, फूलों और अन्य प्रकार की वनस्पतियों से जुड़े होते हैं, ताकि मनुष्यों का संबंध वनस्पतियों से जुड़ सके और वो हमेशा उसकी रक्षा करे, क्योंकि वनस्पति भी हमारी रक्षा करती है। तो अगर हम बात करें वनों की देवी वन देवी की, वैसे कहा जाता है कि बिहार के आरा में वन देवी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिनको अरण्य देवी के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत में अरण्य का मतलब होता है वन यानी जंगल। यानी ये वो देवी है जो जंगलों की रक्षा के साथ साथ उसमें रहने वाले जीव और जंतुओं की भी रक्षा करती है, जिसके कारण से वो एक पूज्यमान देवी बन जाती है। तो अगर देखा जाए भारत के अलग अलग राज्यों में भी वन देवी की पूजा आराधना की जाती है, तो इस क्षेत्र के बारे में लोगों के द्वारा ऐसी जनश्रुतियां कही जाती है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर राजा मोरध्वज का राज्य हुआ करता था, और उस जमाने में राजा के पास साम्राज्य तो काफी बड़ा था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बच्चे की चाहत के लिए हमेशा परेशान रहा करते थे। इसलिए उन्होंने देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा और प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता दुर्गा एक रात उनके सपने में आई और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जल्द ही उनकी रानी को एक बच्चा होगा। फिर ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के बाद ये बात सच साबित हो जाती है और रानी एक लड़के को जन्म देती है, और कुछ समय के बाद नवजात शिशु बड़े हो जाते हैं, यानी जब युवा हो जाते हैं तो उनकी साहस और प्रतिभा को देखकर उनके पिता और माता काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक समय के पश्चात राजा मूर्ध्वज के स्वप्न में फिर से माता दुर्गा प्रकट होती हैं, और इस बार वो स्वप्न में उनको ये कहती हैं कि मैंने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराई, तो इसके बदले मैं तुमसे कुछ उपहार चाहती हूँ। फिर ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में ही राजा देवी से ये कहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी मांगिए माता, मैं आपको देने के लिए बाध्य हूँ। तब ऐसा
कहा जाता है कि माता दुर्गा राजा से ये कहती हैं, मुझे कुछ और नहीं, जो तुम्हारा पुत्र है यानी जो राजकुमार है उसके मांस को बलि के रूप में मुझे अर्पित कर दो। अब जैसे ही राजा ने ये स्वप्न देखा तो वो काफी भयभीत होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपनी भक्ति में अटल रहते हुए राजा और रानी ने माता दुर्गा की ये मांग पूरी करने का फैसला कर लेते हैं और उनका बेटा भी देवी को अपना मांस चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले ही दिन ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार को महल की वेदी पर खड़ा कर दिया जाता है और जैसे ही राजा और रानी उसके कंधे पर एक आरी रखते हैं कि उसके शरीर की बलि देने के लिए, ठीक उसी क्षण देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और उनसे कहती है कि उनकी ये क्रूर चाल केवल उनके प्रति उनके विश्वास का परीक्षण करने के लिए थी। वो ये देखना चाहते थे कि राजा का परिवार उनके प्रति कितना ज्यादा श्रद्धावान है। फिर उसके बाद माता दुर्गा राजा के परिवार को और उसके साथ साथ उसके राज्य को सदैव खुश रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब इसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि जो स्थान है जहाँ पर बलि दी जानी होती है राजकुमार की, उसी क्षण से उस स्थान को आरा के नाम से जाना जाता है और आरा यही वो स्थान है जहाँ पर पूर्व मुखी मंदिर में एक मुख्य मंदिर है जिसमें अरण्य देवी यानी वन देवी की एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां हैं जिन्हें उस मंदिर में बहन देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।